नमस्कार, मैं आशा विजयवर्गीय आशा की कुकबुक स्वाद के संसार में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए पुलाव कुकर में कैसे बनाएं फटाफट उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है 400 ग्राम चावल, जो बासमती चावल है, साबुत बासमती चावल, जिसे मैंने यहाँ धोकर रख लिया है। आप चावल को अच्छी तरह से 3-4 पानी में धोएं। इसके लिए कुछ वेजिटेबल लिए हैं, गाजर, प्याज, आलू, टमाटर, नींबू, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, कॉर्न। मैंने यहाँ मकई के दाने लिए हैं, जो अभी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, नहीं तो आप इसके जगह मटर भी ले सकते हैं। ऑयल, नमक, पुलाव का मसाला है जो बिरयानी मसाले के नाम से बाजार में भी मिल जाता है, और गरम मसाला, और कुछ साबुत गरम मसाले भी लूँगी मैं। लहसुन की कुछ कलियाँ, अगर आप प्याज लहसुन यूज़ नहीं करते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने गैस पे कुकर चढ़ा दिया है, अब इसमें मैं तेल डालूंगी। तेल मैंने करीब 100 ग्राम लिया है, 4 बड़े चम्मच। तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच राई डालूंगी। मैंने यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च, ये मैं अभी इसमें डाल दूंगी। मैंने सब्जियों को काट लिया है, लंबे लंबे काटे हैं मैंने, प्याज, गाजर, आलू, टमाटर को मैंने बारीक काटा है, हरी मिर्च को भी मैंने लंबाई में ही काटा है, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, धनिया पत्ता को मैंने धो लिया है, नींबू का रस निकाल लिया मैंने। मैंने इसमें राई, जीरा सब कुछ डाल दिया है, खड़े गरम मसाला। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। मैंने लहसुन को भी बारीक काट के रखा है। आप अगर प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो उसकी जगह पत्ता गोभी भी यूज कर सकते हैं। प्याज को थोड़ी देर के लिए भून लूंगी मैं, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए इसमें। अब इसमें आलू और गाजर डाल दूंगी। आप अपनी पसंद से और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे फूल गोभी, शिमला मिर्च। अब इसको भी मैं 2 मिनट भून लूंगी। यहाँ सब्जियों को अच्छी तरह से भून लिया है, अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल दूंगी। आप चाहें तो इस वक्त ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ बादाम, किशमिश, काजू लिया है। कॉर्न 1 कटोरी लिया है मैंने, कॉर्न को इसमें डाल दिया है। सभी चीजों को मैं थोड़ी देर भून लूंगी, करीब 2 मिनट सब्जियों को अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं इसमें कुछ बेसिक मसाले डालूंगी, लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच। यहाँ मैं हल्दी नहीं डाल रही हूँ, आप अगर हल्दी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जिससे कि हमारा देसी स्टाइल का पुलाव बन जाएगा। अब मैं इसमें चावल डालूंगी, चावल का पानी निकाल दे रही हूँ, इसमें चावल को डाल देंगे हम। ये करीब मैं 6 लोगों के हिसाब से पुलाव बना रही हूँ, आप इसे डिनर, लंच में कभी भी खा सकते हैं। अच्छी तरह से मसालों को मिला दें, थोड़ा सा चावल भी भुन जाएगा साथ में। इसमें नमक करीब 1 चम्मच भर के और थोड़ा सा और डाल दीजिए, करीब 1/4 और, या आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और ये बिरयानी मसाला है, जिसे पुलाव मसाला भी कहते हैं,
ये एक चम्मच, मैं साबुत खड़ा मसाला डाल चुकी हूँ, अब गरम मसाला भी मैं एक चम्मच डालूंगी इसमें। एक नींबू का रस निकाल लिया है, उसे भी मैं पूरा डाल दूंगी। इसे थोड़ी सी देर अच्छी तरह से मिला लूंगी। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। मैंने यहाँ 4 कटोरी चावल लिया है, तो पहले 4 कटोरी पानी डालूंगी। मैंने जो चावल का पानी निकाला वो भी इसमें मिला लिया है। एक बार इसे मिला लेंगे अच्छी तरह से। पानी मैंने डाल दिया है इसमें। पानी का मैं आपको अंदाज बताती हूँ, अगर आप नाप से नहीं बनाएं तो जितना भी आपका चावल और सब्जी वगैरह है उससे पानी सिर्फ आपके उंगली के थोड़ा सा ऊपर, ऊपर वाले से हाफ इतना ऊंचा आप पानी रख लें तो आपका पुलाव बहुत ही बढ़िया बन जाएगा। चावल और सब्जियों के बेस से इतना ऊपर पानी, उससे आपका पुलाव बहुत खिला खिला बन जाएगा। अब पानी पे उबाल आ जाए तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख रही हूँ। पानी जब उबल जाएगा हमारा, उसके बाद हम ढक्कन लगाएंगे। पुलाव का पानी उबल गया है, अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। कुकर में आप जब भी कुछ बनाएं, चाहे दाल या चावल, तो पहले आप उसे कुछ देर उबाल लें फिर ढक्कन लगाएं। ढक्कन लगा दिया है, अब इसमें प्रेशर बनने देंगे। जब फुल प्रेशर बन जाए या पहली सीटी आने पे हो, तब हम गैस को बंद करके इसी तरह से छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। फुल प्रेशर बन गया है, अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी, जिससे कि इसका प्रेशर खत्म हो जाए। करीब मैंने इसे 10 मिनट छोड़ दिया था और अब इसका प्रेशर बिल्कुल खत्म हो गया है। अब इसे खोल के हम देख लेते हैं। पुलाव बनके हमारा तैयार है। अब मैं इसमें धनिया पत्ता डाल दूंगी, जिसे मैंने बारीक काट के रखा है। अच्छी तरह से धो लिया था पहले और फिर मैंने बारीक काट लिया इसे। अब मैं इसे आपको मिला के दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा खिला खिला चावल बना हमारा। ये पुलाव है, आप इसे बिरयानी भी कह सकते हैं। कुकर में फटाफट आप पुलाव तैयार कर लें। अगर आपने चावल को भिगोया है तब तो आप इसे एक सीटी आते ही बंद कर दें, और अगर चावल को आप तुरंत ही बनाने में काम ले रहे हैं बिना भिगोए हुए, तो 2 सीटी लें और फिर गैस बंद कर दें। अब ये हमारा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है खिला खिला पुलाव। कलर भी कितना अच्छा आया है पुलाव का। अब आप इसे बनाएं और खा के मुझे भी बताएं कैसा बनाएं, क्योंकि ये मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा है। आप इसे सजाने में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी यूज कर सकते हैं, ऊपर से भुजिया के साथ खा सकते हैं, तथा हरी चटनी और नींबू की चटनी के साथ भी ये आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा। अब ये खाने के लिए तैयार है। लाजवाब और स्वादिष्ट पुलाव मिनटों में तैयार है आपके लिए। कुकर में आप इस तरह से पुलाव बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। आप इस पुलाव को जरूर से जरूर बना के ट्राई करें और इसके टेस्ट का आनंद लें। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।